गुड मॉर्निंग। बीकॉम में कॉस्टिंग सब्जेक्ट जो है उसमें एक सम बहुत बार आता है मटेरियल कॉस्टिंग का, जिसमें वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, रीऑर्डर लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल की बात करता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको सवाल बता दूँ। सवाल में क्या इन्फॉर्मेशन होती है? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को मंगाने की लागत, एनुअल कॉस्ट पर यूनिट जो आपकी लग रही है यूनिट की, नॉर्मल यूजेस का यहाँ मतलब होता है कंजम्पशन, साल में आप कितना एवरेज कंज्यूम करते हो, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, तो तीनों तरह के लेवल हो गए। रीऑर्डर पीरियड 4 से 6, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। रीऑर्डर पीरियड का मतलब हुआ सबसे कम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 4 वीक, और मैक्सिमम कितना है, 6 वीक। अब हम जब ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हम मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हमसे एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर की क्या है। पहली एक्सपेक्टेशन है ईओक्यू। सभी लोगों के जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए बोलूं, ईओक्यू को ही रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। रिपीट करता हूं, ईओक्यू को ही रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी अलग होता है। एग्जाम में बच्चा गलती कर देता है, इसलिए ध्यान रख के जाइए। मैं बार बार रिपीट कर देता हूं इस बात को कि रीऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू क्या होता है, सेम। ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कैसे होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? ईओक्यू फार्मूला होता है 2U × P/S। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताता है आदर्श मात्रा। कौन सी मात्रा? आदर्श ऑर्डर। आदर्श का मतलब होता है आइडियल, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए क्या है, बेस्ट है। कौन सी? ऑर्डर की क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब मैंने वर्ड बोला आइडियल, आइडियल का मतलब क्या हो गया, बेस्ट। अब बेस्ट में कैसे निकलेगा, तो देखिए अंडर रूट करिए 2U। U का मतलब है यहाँ कंजम्पशन। क्या है? कंजम्पशन। और कंजम्पशन का मतलब आप समझते हैं यूसेज। अब ये कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिए। सवाल क्या दिया है? वीक्स में। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। और U मतलब कंजम्पशन, वो भी कौन सा कंजम्पशन है बच्चों? एनुअल। एनुअल मतलब साल भर का। तो 52 में हम गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे हम 52 में गुणा करेंगे जो हमारा लेवल है। लेवल कौन सा हमारा है? नॉर्मल लेवल। नॉर्मल लेवल कितना है? 50 यूनिट्स। तो आप 50 में जब 52 का गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2600। रिपीट करता हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें वो क्वांटिटी बताती है जिसमें ऑर्डर की कॉस्ट मिनिमम होती है, प्लेसिंग की कॉस्ट मिनिमम होती है। इसको आदर्श मात्रा बोला जाता है। उसका फार्मूला है 2U × P/S। 2U, U फॉर कंजम्पशन है, और वो कंजम्पशन कौन सा है? एनुअल है। एनुअल में हफ्ते कितने होते हैं? 12। और आपने यूजेस कितना लिया? नॉर्मल। मैक्सिमम और मिनिमम को नहीं लेना है, नॉर्मल को लेना है। नॉर्मल लेते फिगर कितना है? 2600। मतलब ये एनुअल 2 × 2600। प्लेसिंग की रेट दे रखी है कितने रुपए? 100। स्टोरिंग कॉस्ट के बारे में लिखा है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, इसको लिख रहे हैं वो कैरिंग कॉस्ट। क्या है ये? कैरिंग कॉस्ट। किताब में लिखने से मैं मिस कर गया, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग मतलब रखने की लागत। कितने रुपए है? 15 रुपए। नीचे ले लिया, फार्मूला देखिए 2 दिया हुआ है। एनुअल कंजम्पशन कैसे निकाला? हफ्ते साल भर में कितने? 52। नॉर्मल कंजम्पशन कितना? 50। तो कंजम्पशन कितना हुआ? 2600 यहाँ आ गया, 2 दिया हुआ था, 100 रुपए दिया हुआ था, 15 रुपए दिया हुआ था। जब अब अंडर रूट के साथ कैलकुलेट करके फिगर्स को निकालेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा फाइनली इन सब कैलकुलेशंस के बाद, वो रिजल्ट आएगा 186 यूनिट्स आएगा। कितना आएगा? 186 यूनिट्स अप्रॉक्स। सर इससे क्या सीखने को मिला? इससे सीखने को ये मिला कि जब आप 2 × 2600 × 100/12 = 15 और अंडर रूट लगाएंगे तो आंसर जो आएगा वो 186 यूनिट्स आएगा। और आंसर 186 यूनिट जब आएगा तो जवाब क्या देंगे? जवाब देंगे कि हमको चाहिए कि हमें ज़रूरत है 2600 की, पर कभी भी हम 186 से कम और 186 से ज़्यादा ना मंगाए। मतलब कहने का ये हुआ है हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? 2600। ये तो क्लियर हो गया, नॉर्मल यूजेस और साल भर का 52। अब जब इसका पहली लाइन का आंसर निकल के आ रहा है 186, तो जवाब दीजिएगा ना तो हम 186 से ज़्यादा मंगाएं, ना 186 से कम मंगाएं। हम मंगाएं तो सिर्फ एग्जैक्ट 186 क्वांटिटी ही मंगाएं, ताकि हमारी दो कॉस्ट, प्लेसिंग की और कैरिंग की कॉस्ट क्या हो? मिनिमम हो। ये सवाल आता है, भले ही 2 नंबर 5 नंबर में आए, आता है। कैसे याद करेंगे आप सब लोग इसको? सर कैसे याद करें? सबसे पहला
आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला याद करना है, 2U into P/S, यू का मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन सा एनुअल, साल के हफ्ते कितने 12, सॉरी हफ्ते कितने 52, महीने होते तो 12, दिन होते तो 365, चूंकि वीक्स दिया था इसलिए ले लिया 52, और कंजम्पशन ना मैक्सिमम लेंगे ना मिनिमम लेंगे ना रीऑर्डर लेंगे, कौन सा लेंगे नॉर्मल, रिजल्ट आएगा 2600, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लेसिंग कॉस्ट दी हुई है, कैरिंग कॉस्ट दी हुई है, अंडर रूट करेंगे, आंसर आएगा 186। अगर आंसर 186 आ रहा है इसका मतलब हमें 190 भी नहीं चाहिए, 180 भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 186, क्योंकि इसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको बोलेंगे आइडियल, न इससे ज्यादा न इससे कम। तो ये पहला हिस्सा निकल चुका है। दूसरा फार्मूला है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला तो बड़ा सरल है, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, सब दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम यूजेस इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यूजेस कितना दे रखा है देखिए आप, 75 इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड मिनिमम कितना है 4, मैक्सिमम कितना है 6, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, कितना है 6, निकाल दीजिए रिजल्ट आ जाएगा, कितना आ रहा है रिजल्ट आपका 450। सिर्फ पहले वाले फार्मूले के अलावा बाकी फार्मूले बड़े सरल हैं और इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यूजेस भी दे रखा है 75 और रीऑर्डर पीरियड 4 और 6, बड़ा कौन है 6 का गुणा कर दीजिए। अब एक और फार्मूला है मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का फार्मूला क्या है वो भी याद कर लीजिए, रीऑर्डर लेवल लिया माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ध्यान से देखिएगा, सबको समझ में आएगा। रीऑर्डर लेवल अभी आपने निकाला ऊपर, रीऑर्डर लेवल कितना निकाला है 450, वेरी गुड, माइनस नॉर्मल यूजेस, ये दे रखा है नॉर्मल यूजेस कितना है बच्चों 50, इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज कितना होता है 4+6 कितना आएगा 5, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, 4 और 6 टोटल कितनी हुई 10, डिवाइड बाय 2 एवरेज कितना हो गया 5, इसका 5 में गुना कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 450 - 250 = 200। क्या सीखा आपने, इसको फिर से रिपीट करता हूं मैं आप सबके लिए, हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, 2U into P/S लिया, प्लेसिंग वो देगा, स्टोरिंग वो देगा, यहां एनुअल कंजम्पशन है, एनुअल कंजम्पशन कैसे निकाला, सवाल वीक में है, वीक 52 होते हैं एक साल में, नॉर्मल का गुणा करना है क्योंकि नॉर्मल यूजेस है, आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 186 आएगा, ना ये कम हो सकता है ना ज़्यादा, ये बेस्ट क्वांटिटी है, ना इससे ऊपर मंगाना है ना इससे नीचे मंगाना है, ताकि प्लेसिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट नॉर्मल रहे। दूसरे में मैंने क्या सिखाया आपको, रीऑर्डर लेवल, गलती ना करें, रीऑर्डर क्वांटिटी EOQ कहलाती है, और रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम कितना है 75, पीरियड कितना है 6, आंसर कितना है 450। मिनिमम लेवल का फार्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल इनटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है यहाँ पर 50, और इन दोनों का नॉर्मल निकालने का तरीका क्या हुआ, मिनिमम और मैक्सिमम का टोटल लगाकर 2 लगा देते हैं तो ये हो जाता है नॉर्मल टाइम। फार्मूला याद कीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ये नॉर्मल आया है 200। अब हमने क्या क्या निकाल लिया, EOQ हमने निकाल लिया, रीऑर्डर लेवल हमने निकाल लिया, मिनिमम लेवल, अब हम निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम लेवल, इसका भी फार्मूला देख लेते हैं। मैक्सिमम लेवल का फार्मूला क्या है, वही कहानी फिर से करनी है, रीऑर्डर लेवल, ऊपर भी यही करा था आपने, रीऑर्डर लेवल, बस फार्मूला थोड़ा सा बदल रहा है, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ ये लेना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, सामने देखिए मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल कितना निकाल चुके हैं, रीऑर्डर लेवल आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना है 450, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आप निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं 186 + 186 माइनस मिनिमम यूजेस दे रखा है, मिनिमम यूजेस कितना दे रखा है, मिनिमम यूजेस दे रखा है आपको 25 इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 और 6 छोटा कौन है 4 और 6 में छोटा कौन है 4, जब आप कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है 450 + 186 - 100, रिजल्ट आएगा आप कैलकुलेट करिएगा 450 + 186 - 100 = 536 यूनिट्स।
क्या आ गया? यूनिट्स। आपने क्या निकाला? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको ऐसे निकाला। फिर क्या निकाला? रीऑर्डर लेवल, जिसका फार्मूला क्या है? मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। मिनिमम लेवल का फार्मूला क्या है? ऊपर का रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में नॉर्मल इनटू नॉर्मल, नॉर्मल यूजेस नॉर्मल टाइम। रटना पड़ेंगे फार्मूले तो आप सवाल कर पाएंगे। मैक्सिमम लेवल का फार्मूला क्या है? फिर वही रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू की माइनस यहां मिनिमम मिनिमम का क्या हो जाएगा? गुणा। तो आंसर कितना आएगा? 536। और आखिरी में बोला है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का बड़ा यूनिक फार्मूला है, मैं थोड़ा सा बोर्ड से हटके ऊपर लेके जा रहा हूं आपको, ताकि आपको क्लियरिटी हो। कुछ लोग एवरेज स्टॉक लेवल का फार्मूला बनाते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। मटेरियल कॉस्टिंग में ये वाला यूज नहीं होता है। जो यूज होता है वो ये है, 1/2 ऑफ मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल। क्या बोला मैंने आपको? 1/2 ऑफ मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल बच्चों थर्ड नंबर पे कितना आ रहा है देखिए, 200। मैक्सिमम लेवल सवाल में कितना निकल के आ रहा है? 536। इन दोनों का टोटल लगा के 1/2 जब कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 इंटू 736 आंसर निकल के आएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे 368। सबके पीछे क्या लगा दीजिए? यूनिट्स, क्योंकि मटेरियल में सवाल का आंसर किससे बनता है? यूनिट्स। अब मैं इस सवाल का रिवीजन कराऊंगा अच्छे से। हमें एग्जामिनर क्या देता है? हमें प्लेसिंग कॉस्ट देता है, मंगाने की लागत, कैरिंग कॉस्ट रखने की लागत। अब हमें क्या चाहिए? कंजम्पशन निकालना है, जिसको यू बोलते हैं। किताब में ए भी लिख देता है, वो आपके हिसाब से यू फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन कैसे निकलेगा? सवाल किस में है? वीक में। 52 उठाइए, कंजम्पशन कौन सा लेंगे? मैक्सिमम नहीं, मिनिमम नहीं, कौन सा लेंगे? नॉर्मल। 50, 50 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए कितना आया? 2600 फिट कीजिए। पी, प्लेसिंग कॉस्ट दी हुई है, कैरिंग कॉस्ट दी हुई है, कैलकुलेटर चलाइए, आंसर आएगा 186। इसको बोला जाता है ईओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी या ऑप्टिमम क्वांटिटी। अगला फार्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल। रिपीट, रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू है और रीऑर्डर लेवल अलग चीज है। इसका फार्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन या यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम कितना है? 75। मैक्सिमम टाइम कितना है? 6। 75 इंटू 6 कितना है? 450। वेरी गुड। मिनिमम का फार्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल, नॉर्मल यूजेस इंटू नॉर्मल, नॉर्मल यूजेस कितना है? 50। नॉर्मल पीरियड कैसे निकाला? 4 मिनिमम है, 6 मैक्सिमम है, 4 और 6 को जोड़ लगा के 2 का भाग लगाया तो नॉर्मल टाइम कितना आया बच्चों? 5। 5 का मल्टीप्लीकेशन करा तो 250, 450 में से 250 गया, कितना बचा? 200। फिर अगला क्वेश्चन पूछा उसने मैक्सिमम लेवल, फिर वही फार्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। रीऑर्डर लेवल निकला हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी निकली हुई है, माइनस मिनिमम कितना है? 25, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 4। आप फार्मूला लर्न करें सब क्लियर हो जाएगा। आंसर कितना आया? 536। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवरेज स्टॉक लेवल, उसका फार्मूला ऊपर लेके आया, आप वो मत लगा दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2। ये यहां पर नहीं चलता, यहां चलेगा 1/2 ब्रैकेट 1 मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल आपका कितना आया है? 200। मैक्सिमम लेवल कितना आया है? 536, और उसमें 2 का भाग लगा दीजिए, आंसर आएगा 368। सारे आंसर्स यूनिट्स में आएंगे। अब इनका मतलब भी समझ लेते हैं। ईओक्यू बताता है ना इससे कम मंगाइए ना इससे ज्यादा मंगाइए, ताकि आपकी प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट मिनिमम रहे। रीऑर्डर लेवल बताता है इस लेवल पे आते ही फिर से ऑर्डर कर दीजिए। मिनिमम लेवल बताता है कि इससे नीचे मत जाइए। मैक्सिमम लेवल बताता है कि इससे ऊपर रखना पैसे की बर्बादी है। और एवरेज स्टॉक लेवल बोलता है ना मैक्सिमम पे जाइए ना मिनिमम पे जाइए, औसतन आप अपने माल को इस लेवल पे रखिए। एक फिगर को चेक कीजिए, फिगर को चेक कीजिए, आप देखिए मिनिमम कितना लेवल है? 200। कम से कम कितना रखना है? 200। ज्यादा से ज्यादा कितना रखना है? 536। आंसर ना तो 200 आया ना 536 आया, आंसर इसके बीच का आया। बीच का कितना आया? 368। अगर आपसे कोई पूछे तो इस पूरे सवाल का निचोड़ है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मालिक को ईओक्यू का लेवल, ईओक्यू का सवाल करते समय ध्यान रखिएगा वो एनुअल कंजम्पशन रहेगा। ईओक्यू लेवल जिसको रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल का ज्ञान होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा इन्वेंट्री से उसके लॉस होने का खतरा रहता है और कम इन्वेंट्री से ग्राहक के चले जाने का होता है। इस सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए,
फार्मूला पहले लर्न कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। यूजेस को कंजम्पशन बोलते हैं, पहले सवाल में एनुअल कंजम्पशन से होता है, बाकी के सवालों को इस तरीके से किया जाता है। इस सवाल में चूंकि वीक दे रखा था इसलिए 52 का गुणा हुआ, मंथ होता तो 12 का करते और डेज का होता तो 365 करते, पर सभी आंसर्स के पीछे आखिरी में क्या आएगा, यूनिट्स। आई होप ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका PDF मैं आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करके दूंगा विथ सॉल्यूशन, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।